नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों ये विनका प्लांट है और इसकी जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी थी कि इतने सारे ढेर सारे फ्लावरिंग लेने के लिए हमें क्या कंपोस्ट बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए फ्री की चीज़ों से कि हमें ढेर सारे फ्लावर्स इस प्लांट में मिले, तो वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कई सारे कमेंट आए, सवाल पूछे गए मुझसे कि कुछ लोगों के प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ के फ्लावर्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी छोटे रह जा रहे हैं। तो उसी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सभी चीज़ों का हल देखेंगे कि क्या कमी है, किस वजह से कौन सी चीज़ फ्लावर्स छोटे हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे दो प्लांट हैं, आप देख रहे हैं इधर, एक में आपको ढेर सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं और दूसरे में आपको ज़्यादा ब्रांचेस दिख रही हैं। तो क्या कमी थी कि दोनों पौधे एक से नहीं हुए, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, मैं पहले बताता हूँ आपको कि इसकी केयर कैसे करनी है, फिर लास्ट में मैं बताऊँगा वीडियो के आखिर में कि क्या कमी मैंने करी हुई है, दोनों पौधों में क्या अंतर था कि एक पौधे में इतनी सारी फ्लावरिंग है और दूसरे में आपको फ्लावर्स कम दिख रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले दोस्तों मैं बताऊं आपको कि विनका प्लांट जो होता है ये सन लविंग प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा शेड नहीं पसंद है, तो इनको जो है दिन की करीब 4 से 5 घंटे, एटलीस्ट अगर 40 डिग्री एवव टेम्परेचर है तो दिन की 4-5 घंटे की धूप इसे चाहिए, और अगर आपकी यहाँ का टेम्परेचर 35 से आसपास है तो पूरे दिन इसे सनलाइट में रखिए। और इसकी जो मिट्टी है उसे आपको वेल ड्रेंड बनाना है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विनका प्लांट के लिए मिट्टी हम कैसे बनाते हैं, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मिट्टी है वो वेल ड्रेंड होना चाहिए, पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होल्ड होगा तो रूट्स जो है गीली होके ख़राब हो जाएंगी, उनमें फंगस आने लग जाएगा। तो वेल ड्रेंड मिट्टी बनानी है, ऊपर से कंपोस्ट बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं यूज करना है, विनका प्लांट के लिए कंपोस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और अभी फ़िलहाल जो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग कैसे करना है, आप राइस हस्क ले लीजिए, कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लीजिए या फिर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, गार्डन की सूखी पत्तियाँ हों, कोकोपीट हो, उससे जो सॉयल है उससे ऊपर 1 इंच की या 1/2 इंच की एक लेयर बना दीजिए, उससे तो जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है मिट्टी पे वो नहीं पड़ेगी और रूट्स डैमेज नहीं होंगे, रूट्स हेल्दी होंगे तो पौधा हेल्दी रहेगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, विनका प्लांट के लिए आप कम से कम, अगर आपको इस तरह से हेल्दी प्लांट चाहिए, बड़ा प्लांट है, तो आप 8 इंच का पॉट लें, और वैसे तो आप लगा सकते हो छोटे प्लांटर में भी, लेकिन मैं चूंकि देखिए मेरे पौधे कितने हेल्दी हैं और कितने ढेर सारे फ्लावर्स हैं, इसलिए ये मैंने इसे 8 से 10 इंच के पॉट में लगा रखा है, तो आप भी इस तरह का ही चुनाव करें। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी मिट्टी के लिए। तो इसकी गुड़ाई जो है आप 10 से 12 दिन पे, 15 दिन पे एक बार हल्की गुड़ाई, ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की गुड़ाई कर दें ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहे और जो नीचे रूट्स हैं इसकी उसमें एयर पास होती रहे, एयर मिलती रहे रूट्स को, और जो वाटरिंग आप कर रहे हैं वो वाटर भी अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम के साथ नीचे की तरफ चलता जाता है। तो इस तरह आप उसको 10 से 15 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके लिए फर्टिलाइज़र क्या है और इसमें समस्या क्या आती है। तो दोस्तों इसमें दो तरह की समस्याएं आती हैं, एक तो इसमें फंगस आ जाता है, ये फंगस काफ़ी ज़्यादा इसमें आता है, तो फंगस ना आने के लिए आपको फंगिसाइड पाउडर या फिर हल्दी, राख, इन सब चीज़ों का यूज करना है। फंगिसाइड पाउडर से स्प्रे कीजिए, राख का छिड़काव कीजिए, और फिर अगर राख का छिड़काव करते हैं तो आप नेक्स्ट डे ही उसे वापस पानी से धुल दीजिए, क्योंकि फिर राख ज़्यादा देर तक पौधों पर रहती तो पौधों पत्तियों को भी ख़राब करने लग जाती है, तो उसे फिर नेक्स्ट डे आप धुल दीजिए। तो एक तो फंगस की समस्या आती है, दूसरी जो इसकी स्टेम्स होती हैं वो ड्राई होने लग जाती हैं, तो वो मॉइस्चर की कमी हो या फिर जो आप वाटरिंग करते हैं वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से होता है, तो आपको वाटरिंग का खास ख्याल रखना है इसमें। तो वाटरिंग आपको इसको मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना है, देखिए अगर आप जो है मिट्टी हल्की खोद के देखिए, अगर टॉप 1 से 1.5 इंच की सॉइल
आपको ड्राई दिख रही है तो आप वाटरिंग इसमें कर दें। उससे ज़्यादा अगर आप ड्राई करते हैं तो इतनी गर्मी में पौधा सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और फिर इसकी ऊपर की जो ये स्टेम्स हैं ये ड्राई होने लग जाती हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कंपोस्टिंग की। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, मैं इसमें नॉर्मल जो कंपोस्ट है काउडंग कंपोस्ट ये ही देता हूँ। ये परमानेंट प्लांट है अपना सदाबहार जिनका, तो इनको जो है महीने में एक बार, देखिए ये मैंने अपने गमलों के लिए काउडंग कंपोस्ट ले लिया, एक से दो मुट्ठी है हम एक गमले में यूज करेंगे, और इसमें इतनी काउडंग कंपोस्ट में हमने एक मुट्ठी राख ले लिया है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। राख इसलिए हम ले लेते हैं कि अगर कंपोस्ट में कोई फंगस हो या फिर मिट्टी में कोई फंगस हो तो राख एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी होती है, और साथ में इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, तो राख यूज करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार देखिए, हमने एक मुट्ठी एक गमले में इस प्रकार से चारों तरफ से डाल लेना है। यही काम हम दूसरे गमले में भी करेंगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये देसी विनका है, और इधर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हाइब्रिड विनका प्लांट्स हैं। देसी और हाइब्रिड में क्या होता है, देसी फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं और इनके पौधे थोड़े बड़े होते हैं, पर हाइब्रिड जो विनका प्लांट्स हैं ये बहुत बड़े पौधे नहीं होंगे, यहीं से ये जो है गुच्छों में फैल जाएंगे और ये छोटे पौधों में ढेर सारे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। देसी विनका में आपको कलर कॉम्बिनेशंस कम मिलते हैं, ये दो कलर ही मोस्टली देखे जाते हैं, वाइट और ये पिंकिश कलर का है, और हाइब्रिड में आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। चार कलर तो आप देखिए मेरे पास यूं ही पड़े हुए हैं, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी होती है इनकी। देसी विनका बहुत ही ईजी ग्रो होता है, हाइब्रिड विनका को थोड़ी सी हमें इसके लिए अलग कंपोस्ट देनी होती है, जैसे सीवेट दे दिया या फिर सरसों की खली, तो थोड़ी बहुत इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, बाकी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं ये विनका प्लांट्स। तो इनको हमने देखिए कंपोस्टिंग कर दी, कंपोस्टिंग करने के बाद इसमें हम कर देंगे वाटरिंग, और वाटरिंग करके इसे हम छोड़ देंगे पौधे को। अब दोस्तों, पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स लेने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि उस फर्टिलाइजर को यूज करने से आपके पौधे में फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देंगे, पत्तियां बिल्कुल कम दिखाई देंगी। ये तो बात हो गई दोस्तों कंपोस्टिंग की। अब अगर कुछ फंगस अटैक आपको दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है तो आपको नॉर्मली, ये देखिए ये ट्राइकोडर्मा है, ये फंगिसाइड पाउडर है, इसका एक चुटकी आप अपने गमले में मिट्टी पे इस प्रकार से छिड़क दीजिए, जिससे मिट्टी में कोई फंगस नहीं आएगी, और इसका जो उसमें पानी में डिजॉल्व करके एक चम्मच के आसपास एक लीटर पानी में आप इसका स्प्रे भी रेगुलर अपने प्लांट पे करते रहें, जिससे विनका प्लांट में फंगस की समस्या ना आए। अब दोस्तों मैं आखिर में आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लांट्स में मैंने क्या अलग अलग काम किया है कि एक पौधा इतना बूसी और इतना ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे में आपको पत्तियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो वो है दोस्तों इसकी पौधे की प्रूनिंग और पिंचिंग। इस पौधे के देखिए इसके शेप कितना अच्छा है, बिल्कुल गोल सा गमले के चारों तरफ से, तो इसकी मैंने अच्छे से टाइम टाइम पे पिंचिंग करती किया है। देखिए ढेर सारी पिंचिंग करी हुई है मैंने इस प्लांट में, तो इसके नए नए स्टेम्स निकलते रहे और सभी जो नए स्टेम्स आते हैं उनमें फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। इस पौधे में हमने प्रूनिंग और पिंचिंग बिल्कुल नहीं की है, इस वजह से देखिए इसके स्टेम्स कितनी लंबी लचकदार हो गई हैं, तो ये लटक रही हैं और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो गई हैं, तो इनकी आज हम करेंगे प्रूनिंग, और जो प्रूनिंग करने के बाद स्टेम्स हमें मिलती हैं उन्हें आप कटिंग की तरह लगा सकते हैं और ढेर सारे विनका प्लांट बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, अभी तक मैं लालच में था कि फ्लावर्स हैं तो उन्हें फ्लावर्स की हमें लालच नहीं करनी है, और हम देखिए इस प्रकार से इन्हें कर देंगे प्रून। हम पूरे पौधे की काट छाट आज करेंगे और इसे एक नए शेप में फिर से रेडी करेंगे, जिससे कि इस पौधे में भी ढेर सारे फ्लावर्स दिखें और तो ये देखिए दोस्तों इसकी हमने कर दी है प्रूनिंग, और इस पौधे को भी अब इसमें से नई नई ब्रांचेज आएंगी और फिर इसका शेप भी कुछ इस पौधे जैसा हो जाएगा, और इसमें भी आपको ढेर सारे फ्लावर्स
देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों मैं जवाब दे दूं जो कमेंट्स या क्वेश्चंस आए हैं कि अगर आपके पौधे में फूल छोटे बन रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो पहली चीज़ आपको करनी है उसमें आपको देना है बनाना पील फर्टिलाइज़र। और अगर बनाना पील फर्टिलाइजर भी उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो आप जो पिछली वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें प्याज, अंडे का छिलका, बनाना पील, इन सभी चीज़ों को मिला के एक लिक्विड कंपोस्ट बनाया, आप उसको ट्राई कीजिए। और अगर इन दोनों भी चीज़ों से नहीं आती है, तो आप पौधे की एक बार प्रूनिंग कीजिए अच्छे से, और प्रूनिंग करके फिर उसमें जो नए स्टेम्स आती हैं प्रूनिंग कर दीजिए अच्छे से, और उसमें कंपोस्टिंग कर दीजिए और उसको वाटरिंग कीजिए। एक हफ्ते में, दो हफ्ते में उसमें नई जो स्टेम्स आएंगी उनमें फ्लावर्स 100% आपके ज़्यादा मात्रा में और अच्छी साइज में आने लगेंगी। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।